नमस्ते बच्चों, आज हिंदी का काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने पाठ पांच चतुर चूहा पढ़ा था, पूरा पाठ हमने पढ़ लिया था, शब्द भी आपने कर लिए। आज हम इसका करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य मतलब होता है प्रश्न उत्तर, जितना भी काम होता है एक्सरसाइज, वो पूरी हम करेंगे आज। मौखिक वाले हम ओरली करते हैं। चूहे किससे डरते थे? चूहे बिल्ली से डरते थे। क्या तुम्हारे घर में भी चूहे रहते हैं? सबके घर में आ जाते हैं ना, ये तो आप गांव में रहते हो तो गांव में तो बहुत ही चूहे आ जाते हैं घरों में। किसके मुंह में पानी आ गया? बिल्ली के मुंह में। किसको देखकर? चूहों को देखकर, क्योंकि बिल्ली जो है चूहे खाती है, तो इसलिए चूहे जब दिख गए तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये तो थे मौखिक प्रश्न, आप पढ़ लीजिएगा। और लिखित वाले हम लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ऑलरेडी मैंने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, तो मैं प्रश्न भी पढ़ूंगी और उसके उत्तर भी आपको समझा दूंगी। फिर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे सारा लिखित काम। चूहों की धमा चौकड़ी बंद क्यों हो गई? धमा चौकड़ी मतलब उछलना कूदना। चूहे बहुत उछलते कूदते थे ना, तो जब उन्होंने बिल्ली को देखा तो उनकी धमा चौकड़ी बंद हो गई। तो इसका उत्तर क्या है? बिल्ली के भय से, भय मीन्स डर से, चूहों की धमा चौकड़ी बंद हो गई। कितना आसान प्रश्न है एक ही लाइन में। चूहों ने सभा क्यों की? बिल्ली से बचने का उपाय सोचने के लिए, कि अब बिल्ली आ गई है हमें खाएगी, तो उससे बचने के लिए वो सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। चूहों को बिल्ली से बचने का क्या उपाय सूझा? तो चूहों ने क्या सोचा? आपने पाठ में पढ़ा है तो मैं आपको पता भी होना चाहिए, नहीं तो मैं बता ही रही हूँ। बिल्ली से बचने के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने का उपाय सूझा, कि उन्होंने सोचा कि हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और जब बिल्ली आएगी तो घंटी की आवाज सुनाई देगी और हम सब भाग जाएंगे। चिंकू चूहे ने बिल्ली के साथ क्या चालाकी की? आपने इस कहानी में पढ़ा है ना, चिंकू चूहे ने बिल्ली मौसी को एक लालच दिया कि मौसी मेरे पास एक सुंदर सी घंटी है, तो कहो तो मैं आपके गले में बांध दूं, क्योंकि बिल्ली मौसी कहाँ से आई थी? तीर्थ यात्रा करके। तो फिर उसने बहुत उसका चापलूसी की, तो चिंकू चूहे ने बिल्ली के गले में सुंदर घंटी बांध दी, ये चालाकी की थी। वैसे तो बांध नहीं सकते ना, बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे। तो ये प्रश्न उत्तर है चार, आप लिखेंगे। सही कथन पर, कथन मीन्स वाक्य पर, सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। चिंकू बहुत चालाक था। चिंकू क्या था? चूहा था, एक चालाक था वह। यस, बिल्ली तीर्थ यात्रा करके लौटी थी। सही, बिल्ली से बचने के लिए चूहों ने एक सभा की। सही, बिल्ली ने गले में घंटी नहीं बंधवाई। गलत, बंधवा ली थी ना। तो ये सही गलत वाले हैं चार। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्य किसने कहे? वाक्य लिखे, मैं अभी अभी तीर्थ यात्रा करके आई हूँ। किसने कहा? बिल्ली ने। किसने कहा? बिल्ली ने। अब मैं ये पूरे पेज पे कुछ भी नहीं लिखूंगी, आप लिखेंगे अपने आप सारा काम, मैं समझा रही हूँ बस। मेरे पास एक सुंदर घंटी है। किसने कहा? एक चूहे ने। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। किसने कहा? बिल्ली ने। ये कहा था ना कि मैं तो तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। पर चूहों को तो विश्वास नहीं हो रहा था, वो तो उसके गले में घंटी बांधना चाहते थे कि जब आएगी तो हमें पता चल जाएगा। हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। किसने कहा? एक चूहे ने। तो ये पाठ आपने पढ़ा हुआ है तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि ये वाक्य किसने कहा था। अब व्याकरण का काम करेंगे। दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। वचन बदलो आता है ना आपको, एक वचन है तो बहुवचन। चूहा, चूहा का क्या बनेगा? चूहे। बिल्ली, बिल्लियां। घंटी, घंटियां। अब आपको ये पता होना चाहिए जब अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो बहुवचन में छोटी की मात्रा में बदल जाती है। बिल्लियां में छोटी की मात्रा आ जाएगी या, ऐसे घंटी, घंटियां। रात, रातें। घर,
घरों, बिल, बिलों। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका की मदद से खाली स्थान भरो। अब यहाँ चार शब्द हैं, चार वाक्य हैं। डैश बाजार जाना है, क्या आएगा? तुम्हें, मैं, आप, मुझे। यहाँ आएगा मुझे बाजार जाना है। डैश अखबार पढ़िए। हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों को बोलते हैं, तो क्या होता है आप। तो तुम्हें अखबार पढ़िए नहीं आएगा, मैं अखबार पढ़िए नहीं आएगा, मुझे अखबार पढ़िए नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर आप। आप अखबार पढ़िए। डैश खेल रहा हूँ। हूँ कब आता है? जब मैं होता है। मैं खेल रहा हूँ। डैश कहाँ जाना है? तुम्हें कहाँ जाना है? तो इन चारों शब्दों को आपने यहाँ भरना है। अब अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। रसोई जमा घर, दोनों शब्दों को जोड़कर बन गया रसोई घर। पूजा जमा घर, तो क्या बन जाएगा? पूजा घर। डाक जमा घर, तो क्या बन गया? डाक घर। टिकट जमा घर, टिकट घर। तो ये आपने एक एग्जांपल दिया, तीन और शब्द लिखने हैं मिलाकर। अगला प्रश्न है, कौन किससे डरता है? नाम लिखकर खाली स्थान पूरे कीजिए। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, चूहा बिल्ली से डरता है। अब बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से डरती है, ठीक है। डैश सांप से डरता है, कौन? मेंढक। तो मेंढक सांप से डरता है, तो सांप किससे डरता है? सांप नेवले से डरता है। तो ये खाली स्थान भरेंगे, ठीक है। ये पूरा रिवीजन भी करेंगे अच्छी तरह से। पूरी एक्सरसाइज आपने अपनी नोटबुक में करनी है। और सभी पेरेंट्स के लिए एक सूचना है कि जिन बच्चों की फीस सिर्फ अप्रैल और मई की भरी हुई है, वो इस मंडे को, यानी कि 7 तारीख के मंडे को, या फिर 14th तारीख तक, 14th वाले मंडे को स्कूल में आके जमा करवा देंगे, क्योंकि उन बच्चों का काम जो है बंद हो जाएगा 15 तारीख से। हमने सभी बच्चों को ऐड किया है जिनकी फीस चाहे 2 महीने की आई थी या 1 महीने की, तो उनको काम भेज रहे हैं, तो उनके लिए सिर्फ 15 दिन ही, 14 दिन ही होंगे, तो 15 से उनका काम भी बंद हो जाएगा। ये जो नए ग्रुप बने हैं, सिर्फ उन बच्चों को काम जा रहा है जिन बच्चों की फीस जमा हुई है। मोस्टली बच्चों ने पूरी करवा दी है, और जिन बच्चों की अप्रैल मई की जमा है, वो पेरेंट्स प्लीज मंडे को स्कूल में आके फीस जमा करवा देंगे। थैंक यू।